हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टी की हिंदी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन और हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विथ जी सेल इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो है। अगर आप लोग नए हैं, ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला आपका काम है कि zsell.com पे जाके यहाँ पर सेल विथ अस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आपको फॉर्म दिखाई देगा, इसको फिलअप कर देंगे एंड सबमिट। उससे पहले आपको यहाँ पर सेलर टर्म्स एंड कंडीशन एंड 10 रीज़न टू सेल विथ अस इसको पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। आपको एक फ्री शॉप URL मिलेगा, मतलब zsell.com/ आपका शॉप का नेम जो होगा वो। तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन सेलिंग साइट में देखा था कि इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन प्राइस लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो फ्री में मिल जाएगा। एंड अगर आप प्रोडक्ट सबमिट करना नहीं जानते या फिर कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली आपको जस्ट व्हाट्सअप करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग सपोर्ट आपका प्रोडक्ट जो है सबमिट कर देंगे। एंड हम लोगों को एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट फोटो एडिटिंग सर्विस फ्री। तो ये क्या है, आप अगर नए सेलर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का फ़ोटो खींचते हैं तो अच्छा नहीं आता, तो ये लोग फ्री में उसको एडिट कर देंगे, जिसका प्राइस पर प्रोडक्ट के लिए 100 to 200 ले लेते हैं। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एडवांस डैशबोर्ड मिल जाएगा और भी बहुत सारे चीज़ है जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल सेलिंग। एंड ए वाला नया है जो कि आने वाला है, वो है ईबे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टिंग। इससे क्या होगा, आप जीट सेल में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, वही प्रोडक्ट ईबे पे भी ऑटोमेटिकली सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे हैं ऑप्शंस। एंड सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा एंड आपके मोबाइल पे SMS आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एंड आपका वेरिफिकेशन भी हो सकता है कॉल में किस रिगार्डिंग आप सेल करेंगे इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आप यहाँ पर से सेलर लॉगिन से लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। आपको मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। 27 दिसंबर 2016 से जनवरी का 27 2017 तक का यह सेल्स रिपोर्ट, यह टैक्स रिपोर्ट, यह ऑर्डर रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ही इजी है। आपको ये मिलने के बाद आपको बस प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्लस ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा न्यू प्रोडक्ट का ऐसा पैनल दिखने को मिलेगा। अब आपको प्रोडक्ट का टाइटल, उसके बाद कैटेगरी, और एक बात, अगर आप मोबाइल सेलिंग करना चाहते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इंपोर्टेड मोबाइल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, ओके। और उसके बाद आपको प्राइस डालना पड़ेगा, तो मैं प्राइस डाल देता हूँ। एंड देन डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के बारे में एंड फोटो। तो लोकल पे क्लिक करके अपनी इमेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कितने सारे स्टॉक है आपके पास, ज़्यादा कुछ डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बहुत इम्पोर्टेंट है बस उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी, अगर आप चाहते हैं कि एक बायर एक ही ले पाए, तो यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम में अगर उसको मिनिमम 2 बाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन इस रिगार्डिंग है। एंड यहाँ पर आप स्टॉक, इसका ओरिजिनल प्राइस एंड आप कितने में सेल कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस में देना पड़ेगा।
उसके बाद एक इमेज से ज़्यादा अगर आपको देना है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पर देखिए प्लस ऑप्शन है, इसको जितनी बार क्लिक करेंगे नए नए फोटो अपलोड का ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एक ही इमेज है इसलिए मैंने वहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद क्रिएट में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपका जो ऊपर का ऑप्शन था वो बहुत सारे हो गए हैं, तो SEO जो है इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, अगर आपको इसमें कुछ गलत करते हैं तो आपका प्रोडक्ट गूगल में शो ठीक से नहीं होगा, ठीक है। और ये है ऑप्शन, यहाँ पर ऐड टू ग्लोबल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मैं अगर चाहता हूँ मतलब सिलेक्ट कलर, इससे क्या होगा कि अगर आप बायर को ऑफ़र कर पाएंगे कुछ ऑप्शन, जैसे कि मोबाइल मान लीजिए, यहाँ पर एक मैं मोबाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका तो बहुत सारा कलर हो सकता है ना, इसके रिगार्डिंग एट ग्लोबल ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कलर पे क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब इसमें क्लिक करके वेरिएंट, अब मैं चाहता हूँ ऐसे सेट करना, तो इस मोबाइल का कलर होता है कि सिल्वर, गोल्डन और बाकी ऊपर के सारे ऑप्शन नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा कि बायर सिलेक्ट कर पाएगा उसको क्या कलर का मोबाइल चाहिए या फिर प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं शिपिंग के ऊपर कुछ प्राइस रखना तो यहाँ पर से आप रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं मानता हूँ कि ज़ीरो रहना ही बेहतर है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी में लेने से उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, लाइक अगर 10 पीस ले ले तो उसको मैं कम में दे पाऊँगा, लाइक 28,000 में दे पाऊँगा, तो ऐसे आप क्वांटिटी में डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स में। फीचर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए यहाँ पर एक 71 है तो इसको पहले आप 100 कर लीजिए, ठीक है, वरना आप जो एडिट करेंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा, अगर आपने वहाँ पर ऑप्शन पे कलर दे दिया है तो यहाँ पर इसको ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका वारंटी के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फीचर्स ऑप्शन में, आपको नीचे यहाँ पर एबिलिटी, इन स्टॉक, ब्रांड, ये सब फिलअप करना पड़ेगा ये पहले वाले, क्योंकि इसके अलावा आपका प्रोडक्ट गूगल एड्स में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पहले पांच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ठीक से कीजिएगा। और आपको यहाँ पर ब्रांड देना पड़ेगा, ब्रांड जिस ब्रांड का है, तो मैं इसको बाद में कर दूंगा कंप्लीट। एंड SKU नंबर अगर आपको पता नहीं तो ये ऐसा नंबर होता है कि आपके स्टॉक में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप उतना प्रोडक्ट का नाम याद नहीं रख सकते, आपके मतलब जो काम करते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा कोड जनरेट करते हैं SKU, आप इसको गूगल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब रिक्वायर्ड उतना नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या फिर इसको भी ब्लैंक रख सकते हैं, लेकिन पहले पांच आपको कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। अगर आपका ब्रांड दिखाई नहीं दे तो आप उसको आधार कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी आधार नहीं, अनब्रांडेड, मैं भूल गया था, अनब्रांडेड कर दीजिएगा ये पहला वाला, ठीक है। तो ये तो हवाई का है तो मैं इसको बाद में सेट कर देता हूँ। एंड टैग्स में जो आपका प्रोडक्ट का नेम है उसको जस्ट लेके ऐसे एक देना है, और बाय उसके बाद आपका प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। और बाकी सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, उतने भी ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है टैग्स एंड फीचर्स का जो नीचे मैंने बोला, पहले इसको 100 कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे जाके उसको ये पहले पांच ऑप्शन को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एंड इमेज बोल दिया मैंने तो, एंड जनरल पे जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सेव, एंड मैं चला जाता हूँ। सेव होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी घूम रहा है तो सेव हो गया। मैं अब इम्पोर्टेड
में जाके देखता हूँ, तो आई थिंक मेरा जो मोबाइल था अभी आ चुका है यहाँ पर। देखिए मेरा मोबाइल आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए मैंने जो ऑप्शन दिया था वहाँ से अब बायर सिलेक्ट कर पाएगा उसका जो कलर चाहिए, एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मैंने किया था 10 पीस लेने से उसको कम में मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर आ गया। तो देखिए रिटर्न पीरियड्स डे है, आप इसको चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एड ऑन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर एड ऑन रिटर्न पीरियड, अगर आपको इसके लिए इसको चेक ऑफ कर देंगे तो शो नहीं करेगा। एक ऑप्शन है जिससे कि आपका बायर आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएगा 10 दिन के अंदर अगर कुछ उसको प्रॉब्लम होता है तो। तो बस इतना ही, एंड आई होप आप भी कुछ यहाँ से सेलिंग कर पाएंगे। तो एक हम लोगों का एक सेलर का अकाउंट था जिसके लिए मैंने शो किया था, एंड यहाँ पर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात एक ये है कि आप अपना सामान zsell.com पे सेल करोगे लेकिन आपका सामान और एक ऐप में आ जाएगा, वो है हावड़ा मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। मतलब एक जगह सेल से आपका प्रोडक्ट दो प्लेस में प्लेस हो जाएगा। तो एंड ईवे एक्सपोर्ट भी आने वाला है जिससे कि 3 मार्केट प्लेस पे आपका सामान आ जाएगा जस्ट एक सबमिट से। तो छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।